नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों यहां आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे SBI क्लर्क वैकेंसी के बारे में, जिसे हम बोल सकते हैं जूनियर एसोसिएट्स वैकेंसीज होती हैं SBI की, क्लर्क की आप मान सकते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और ये वैकेंसीज़ ऑफिशियली अनाउंस कर दी गई हैं, आपकी वैकेंसीज़ यहाँ पर SBI क्लर्क की वैकेंसीज़ आ चुकी हैं और काफ़ी ह्यूज मात्रा में वैकेंसीज़ हैं। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर हम जानेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। कितनी वैकेंसीज़ हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ हैं, कब से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बाकी एलिजिबिलिटीज़ और एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो आप लोग हमारे साथ यहाँ पर बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं SBI क्लर्क वैकेंसीज, यानी कि ये देखिए दिया गया है रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स, इसकी ये वैकेंसी हैं। और इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आपकी जो डेट है वो यहाँ पर दी गई है कि 12/4/2019, यानी कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 3 मई 2019 तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, यहां पर डेट आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि 12 अप्रैल 2019 से लेकर 3 मई 2019 तक यहां पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं यहां पर टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम टोटल वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो ये हैं आपकी 8,593 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर टोटल। जी हाँ, यहाँ पर वैकेंसीज़ जो टोटल हैं वो हैं 8,593 वैकेंसीज़। तो ये हैं आपकी यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़। इसका दोस्तों इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डिटेल में नोटिफिकेशन वहाँ पर देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी की, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश जो कि हमारा स्टेट है उसमें कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आपकी टोटल वैकेंसीज़ हैं 1,197, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज़ यहाँ पर अभी तक मैंने लिस्ट में देखा है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको यूपी में यहाँ पर दिखेंगी 1,197, लगभग 1,200 के आसपास यहाँ पर वैकेंसीज़ उत्तर प्रदेश में हैं, जिसमें से अगर जनरल की बात करते हैं तो 493 जो वैकेंसी हैं वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी की हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आपको दी है ही। दोस्तों आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा कि किस स्टेट में यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं, या मैं नीचे आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। आगे दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर दोस्तों रिजर्वेशन सारी रिजर्वेशन की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन की EWS रिजर्वेशन की भी यहाँ पर बात की गई है, तो इसके लिए भी यहाँ पर बताया गया है। अगली दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो दोस्तों इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये आपका जो है वो है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसमें डाल सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो ग्रेजुएशन है ये पास होना चाहिए 31/8/2019 से पहले आप यहाँ पर पास होने चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर एज की, तो एज की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो एज है वो आपकी अगर जनरल कैटेगरी की यहाँ पर बात करते हैं तो ये आपकी 28 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर बता दिया गया है कि 1/4/2019, ठीक है, आपकी जो एज है ये 2/4/1991 से लेके 1/4/1999 के बीच में होनी चाहिए, तब आप यहाँ पर एलिजिबल हैं फार्म को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और बाकी रिलैक्सेशंस की यहाँ पर बात की गई है, 5 साल SC/ST का रिलैक्सेशन है, OBC का रिलैक्सेशन जो है वो आपका 3 साल है, PWD का रिलैक्सेशन जो है आपका 10 ईयर है, और PWD का रिलैक्सेशन 15 साल, और PWD OBC का आपका 13 साल यहाँ पर दिया गया है। ये सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं जैसे कि रहती हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है ये प्री और मेंस यहाँ पर 2 एग्ज़ाम आपके होंगे, और यहाँ पर देखिए लैंग्वेज एफिशिएंसी यहाँ पर स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, ठीक है, एंड टेस्ट आप स्पेसिफिक ऑप्टेड लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज के बारे में हो सकता है कोई टेस्ट या कुछ हो, लेकिन यहाँ पर मेनली 2 टेस्ट होंगे प्री और मेंस, ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। प्री और मेंस यहाँ पर 2 टेस्ट होंगे, प्री का जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। जो आपका इंग्लिश होगा वो 30 नंबर का होगा, बाकी न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग 35-35 के होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स ही होंगे, और 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, और सेपरेट टाइम यहाँ पर सबके लिए दिया जाएगा 20-20-20 मिनट, यानी कि आपको 20-20 और 20 मिनट में करना है, एक सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 20 मिनट दिए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगला यहाँ पर कंपोजिट टाइम यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, आपको सेपरेटली टाइम यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगला दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं मेंस का, यानी कि फेज़ 2 एग्ज़ाम की, तो इसमें आपका जनरल और फिनेंशियल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसके 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के होंगे, 35 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। जनरल इंग्लिश के आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क के, और यहाँ पर 35 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क के, आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के आपके 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 60 नंबर के यहाँ पर होंगे, और टाइम 45 मिनट दिया जाएगा। ये टोटल आपका जो है क्वेश्चन होंगे 190, और 200 मार्क्स का आपका रहेगा, जिसमें आपको 2 घंटे और 40 मिनट का पूरा समय आपको दिया जाएगा। इन 2 घंटे और 40 मिनट में आपको
इन टोटल 190 क्वेश्चंस को करना होगा। तो ये यहाँ पर पूरा टाइम लिमिट है, आप जो पूरी चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पेमेंट की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बताया गया है यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आप फीस जमा कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे। जनरल कैटेगरी के लिए आपकी जो फीस रखी गई है ये आपकी 750 रुपये यहाँ पर है, इंक्लूडिंग इंटीमेशन चार्जेस, सारी चार्जेस को इंक्लूड करने के बाद। और बाकी एस सी एस टी कैटेगरी के लिए आपकी यहाँ पर 125 रुपये रखी गई है। तो ये दोस्तों सारी जो हाईलाइटेड जानकारीज हैं, सॉरी हाईलाइटेड जो जानकारी है, जो भी इन्फॉर्मेशन हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। और दोस्तों अगर आप इसका डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखना चाहते हैं तो नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, आप वहां से क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में इस एडवर्टीजमेंट को देख सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।